साथियों, सदियों से हमारा धारवाड़, मलेनाडु और बयालुसी में इसके बीच गेटवे टाउन यानी द्वार के रूप में जाना जाता रहा है। अलग अलग क्षेत्रों के यात्रियों के लिए ये नगर एक पड़ाव होता था। इसने हर किसी का दिल खोल करके स्वागत किया और हर किसी से सीखकर खुद को समृद्ध भी किया। इसलिए धारवाड़ केवल एक गेटवे ही नहीं रहा, बल्कि एक कर्नाटका और भारत की जीवंतता का एक प्रतिबिंब बन गया। इसे कर्नाटका की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। धारवाड़ की पहचान साहित्य से रही है, जिसने डॉक्टर डीआर बेंद्रे जैसे साहित्यकार दिए हैं। धारवाड़ की पहचान समृद्ध संगीत से रही है, जिसने पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल और बासवराव राजगुरु जैसे संगीतज्ञ दिए हैं। धारवाड़ की धरती ने पंडित कुमार गांधर्व, पंडित मल्लिकार्जुन मानसूर जैसे महान रत्नों को दिया है और धारवाड़ की पहचान यहां के स्वाद से भी है। ऐसा कौन होगा जिसने एक बार धारवाड़ पेड़ा का स्वाद लिया हो और फिर उसका मन उसे दोबारा खाने का ना किया हो। लेकिन हमारे साथी प्रहलाद जोशी मेरे स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए उन्होंने आज मुझे पेड़ा तो दिया लेकिन बंद बॉक्स में दिया। साथियों, आज धारवाड़ में आईआईटी के नए कैंपस की दोहरी खुशी है। यहां हिंदी समझ में आता है इस तरफ? ये कैंपस धारवाड़ की पहचान को और मजबूत करने का काम करेगा। साथियों, यहां आने से पहले मैं अभी मंडिया में था। मंडिया में मुझे बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे कर्नाटका की और देश की जनता को समर्पित करने का सौभाग्य मिला। ये एक्सप्रेसवे कर्नाटका को दुनिया के सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी हब के रूप में और आगे ले जाने का रास्ता तैयार करेगा। अभी कुछ ही दिन पहले बेलगावी में कई विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ था। शिवमोगा में कुवेंपु एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन भी हुआ था और अब धारवाड़ में आईआईटी का ये नया कैंपस कर्नाटका की विकास यात्रा में नया अध्याय लिख रहा है। एक इंस्टीट्यूट के रूप में यहां की हाई टेक फैसिलिटीज आईआईटी धारवाड़ को
वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट के बराबर पहुंचने की प्रेरणा देंगे। साथियों, ये संस्थान भाजपा सरकार की संकल्प से सिद्धि का भी उदाहरण है। चार साल पहले फरवरी 2019 में मैंने इस आधुनिक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया था। बीच में कोरोना काल था, काम करने में अनेक दिक्कतें थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे खुशी है कि चार साल के भीतर भीतर आईआईटी धारवाड़ आज एक फ्यूचरिस्टिक इंस्टीट्यूट के रूप में तैयार हो चुका है। शिलान्यास से लोकार्पण तक डबल इंजन सरकार इसी स्पीड से काम करती है, और मेरा तो संकल्प रहता है जिसका शिलान्यास हम करेंगे उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। होती है, चलती है, शिलान्यास करो, पत्थर रखो और भूल जाओ, वो वक्त चला गया है।